बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड लिस्ट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैंने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में एक सिंपल ड्राइंग ओपन कर रखी है जो कि मुख्तलिफ लेंथ के लाइन और आर्क के साथ क्रिएट की गई है। मैं अपनी इस ड्राइंग पे क्विक मेथड के साथ तमाम लाइन और आर्क की डायमेंशन शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट यूज़ किया है जिसका नाम है ऑटो डायमेंशन। मैंने अपनी लिस्ट को कंप्यूटर की सी ड्राइव में ऑटो कैड के अंदर कॉपी करके रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप लोड कमांड लेते हुए मैं अपने लिस्ट को लोड कर रहा हूँ। लिस्ट को सक्सेसफुली लोडेड करने के बाद कमांड बार में अपने लिस्ट की शॉर्ट की इंटर कर रहा हूँ। ऑटो डायमेंशन की शॉर्ट की AD है। लिस्ट कमांड एक्टिव होने के बाद हमें सबसे पहले मैसेज जो मिलता है, यहाँ हमने ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है तो वो ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगी। ऑप्शन विंडो में हमें लीनियर डायमेंशन पोजीशन और आर्क डायमेंशन पोजीशन में दो दो ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं अबव लाइन और इनसाइड आर्क को सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस कर दूँगा। उसके बाद अपनी कंप्लीट ड्राइंग को सिलेक्ट कर लूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ड्राइंग के जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करके अपनी डायमेंशन शो कर सकते हैं। कंप्लीट ड्राइंग सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो मेरी तमाम लाइंस और आर्क की डायमेंशन शो हो जाएंगी। यहाँ हम देख सकते हैं तमाम लाइंस की जो डायमेंशन शो हुई हैं वो हमारी लाइंस के ऊपर शो हुई हैं, क्योंकि हमने ऑप्शन में जाके अबव द लाइन सेलेक्ट किया था। और जो आर्क की डायमेंशन शो हुई है वो इनसाइड आर्क शो हो रही है। तो दोबारा से हम उन ऑप्शन को चेंज करके चेक करते हैं। तो AD शॉर्ट की इंटर करते हुए मैं अपनी कमांड को दोबारा एक्टिव करते हुए ऑप्शन विंडो को ओपन कर लूँगा। अब मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा बिलो लाइन और आर्क डायमेंशन पोजीशन में आउटसाइड आर्क को सिलेक्ट करते हुए ओके बटन प्रेस कर दूंगा। अब मैंने डायमेंशंस की पोजीशन चेंज कर दी है, तो दोबारा से मैं अपनी कंप्लीट ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारी डायमेंशन दूसरी जगह पर शो हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी डायमेंशंस लाइन से नीचे शो हो रही है और आर्क की जो डायमेंशन है वो आर्क की आउटसाइड पर शो हो रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।